बात हम अमनदीप शतक की करेंगे शुरुआत, पर उससे पहले रुक करते हैं एक बड़ी खबर का जो राजधानी रायपुर से मिल रही है। सीएम भूपेश बघेल फ्लाइट को आज हरी झंडी दिखाएंगे। रायपुर से जगदलपुर फ्लाइट आज दोपहर में उड़ान भरेगी, एक घंटे में पूरा होगा फ्लाइट का सफर। अलायंस एयर की नई फ्लाइट हैदराबाद जगदलपुर रायपुर और रायपुर से जगदलपुर हैदराबाद फ्लाइट होगी और इसकी शुरुआत विमान हैदराबाद से पहले उड़कर जगदलपुर में लैंड करेगा और रायपुर से जगदलपुर होकर फिर हैदराबाद जाएगा। तो आपको बता दें कि जगदलपुर वासियों को आज एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। फ्लाइट को हरी झंडी दिखाएंगे सीएम भूपेश बघेल। और आपको बता दें कि काफी समय से इसको लेकर अटकलें जारी थी, कई बार मांग भी की गई थी, बावजूद इसके आज वो लंबा जो इंतजार था वो खत्म हो गया है और अब जगदलपुर से फ्लाइट की शुरुआत हो गई। और इसी पर सारा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता सुप्रिया पांडे जुड़ गए हैं। सुप्रिया, एक लंबे इंतजार के बाद आज वो इंतजार खत्म हो जाएगा और जगदलपुर वासियों को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। जी बिल्कुल, आज से जगदलपुर वासियों को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। अब जगदलपुर का सफर महज एक घंटे में ही तय किया जा सकेगा। रायपुर जगदलपुर और हैदराबाद के लिए आज से फ्लाइट्स की शुरुआत होने वाली है। हैदराबाद से पहले जो फ्लाइट है वो हैदराबाद से उड़ेगी और उसके बाद जिसके शुरुआत खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसकी शुरुआत करेंगे और फ्लाइट्स को हरी झंडी देंगे। इसके साथ ही वो यात्रियों से चर्चा भी करेंगे। ऐसी सूचना भी है कि जो बौछारे हैं उनसे जो है एयरफोर्स का स्वागत किया जाएगा। एयरफोर्स माफ कीजिएगा, जो फ्लाइट्स है उनका जो स्वागत है वो किया जाएगा। तो तमाम तरह के जो है नए नए तरकीबें यहाँ पर अपनाई जाएंगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजधानी रायपुर में बैठकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यात्रियों से चर्चा भी करेंगे। बता दूं कि ये उड़ान जो है वो 2018 में एक बार उड़ान की शुरुआत हुई थी लेकिन किसी कारण से निरस्त कर दी गई थी, लेकिन अब जो है 2020 में फिर से इसकी शुरुआत हो रही है और जगदलपुर वासियों को जो है एक तरह से राहत भरी खबर जो है वो निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि रायपुर से जगदलपुर का जो एरिया है वो काफी ज्यादा दूर है। एक रात उन्हें जाने में लगता है, 7 से 8 घंटे का सफर है जो महज एक घंटे में ही तय कर लिया जाएगा। तो जगदलपुर वासियों के लिए ये खबर जो है वो काफी राहत भरी खबर भी है और इससे पहले जो है टीम भी रवाना कर दी गई है। 21 मतलब आज से फ्लाइट जो सेवाएं हैं वो शुरू होंगी। इससे पहले 5 सदस्यीय टीम जो है वो जगदलपुर रवाना कर दी गई है ताकि जो वहां पर टीम है उसको ट्रेनिंग दी जा सके और ट्रेनिंग के माध्यम से वो जो है उड़ान को सफल बना सके। तो सुप्रिया, कितना वक्त और बाकी है जिसके बाद फ्लाइट उड़ान भरेगी? फ्लाइट अभी कुछ ही देर में उड़ान भरेगी, इसके साथ ही 1 बजे रायपुर पहुंचेगी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 11 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो यात्रियों से चर्चा भी करेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे। तो तमाम जो समस्याएं हैं यात्री वो भी यात्री जो है वो मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे और मुख्यमंत्री भी यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा करेंगे। कुछ ही देर में फ्लाइट बस उड़ने ही वाली है और इसी तरीके से जो है आज विमान सेवाएं शुरू हो रही है। लॉकडाउन के बीच में राजधानी रायपुर में विमान सेवाएं जो है वो शुरू हो रही है, जिसे लेकर के मुख्यमंत्री जो है वो उद्घाटन भी करेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यात्रियों से जुड़ेंगे। सुप्रिया, लगभग कितने यात्री होंगे जो पहली फ्लाइट में पहला सफर तय करेंगे? और साथ ही कोरोना का भी माहौल देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ में आंकड़े भी बढ़ रहे हैं, तो उसको देखते हुए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? यात्रियों की सूचना तो फिलहाल अभी नहीं मिल पाई है, लेकिन 72 सीटों का जो विमान है वो जगदलपुर रवाना होगा। इसके साथ ही यात्रियों की संख्या अभी नहीं मिल पाई है, तो हो सकता है कि यात्री जो है वो कम ही निकले क्योंकि लॉकडाउन होने वाला है। तो लॉकडाउन के दौर में लोग जो है वो कम घूमना फिरना पसंद करते हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए जो फ्लाइट है उनमें यात्रियों को बिठाया जाएगा। एयरपोर्ट में तमाम व्यवस्थाएं की जाती है, यात्रियों को 1.5 घंटे पहले वहां पर पहुंचना होता है और इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होता है, मास्क लगाना होता है। एयरपोर्ट में सैनिटाइजर भी उपलब्ध होता है, यदि कोई यात्री सैनिटाइजर भूल गया है तो उन्हें सैनिटाइजर भी दिया जाता है और यात्रियों के फोन पर आरोग्य सेतु ऐप होना अनिवार्य होता है, उसके बिना यात्रियों को प्रवेश नहीं दिया जाता। तो इन तमाम व्यवस्थाओं के बीच जो है यात्रियों का सफर शुरू होगा और आज से जगदलपुर के लिए फ्लाइट सेवाएं भी शुरू होंगी। जी चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया सुप्रिया आपका।
चलिए अब खटाक